पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के शिखर सम्मेलन से पहले बड़ा फैसला, रूसी सेना में धोखे से शामिल भारतीय नागरिकों को किया जाएगा डिस्चार्ज। राष्ट्रपति पुतिन के साथ डिनर के दौरान पीएम मोदी ने उठाया मुद्दा, भारतीयों की वापसी पर राजी हुए राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी ने सोमवार की शाम राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर जाकर उनसे की मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन ने गले लगाकर गर्मजोशी से किया स्वागत। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के स्वागत में प्राइवेट डिनर का आयोजन किया। पीएम मोदी को तीसरी बार चुनाव में जीत की दी बधाई। पीएम मोदी ने बताया कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म उनका सिद्धांत है, जिस पर भारतीयों ने जीत दिलाकर मुहर लगाई और अब वो तीन गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। डिनर के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी गोल्फ कार्ट में सैर करने निकले। पुतिन ने खुद ड्राइव की गोल्फ कार्ट। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी काफी देर तक बगीचे में टहले। दोनों के बीच काफी आत्मीय तरीके से बातचीत हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपना अस्तबल भी दिखाया। दोनों ने घोड़ों को गाजर खिलाई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज होगा शिखर सम्मेलन। दोपहर 3 बजे होगा 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में सहयोग पर होगी चर्चा। व्यापार, कनेक्टिविटी, तेल, गैस और एलएनजी सप्लाई के मुद्दों पर बात होगी। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 बजे भारतीय डायस्पोरा के लोगों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का रूस दौरा। मॉस्को में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 5 साल बाद रूस के दौरे पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। मॉस्को में रूस के फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ने पीएम मोदी को रिसीव किया। मॉस्को में पीएम मोदी को शी जिनपिंग से ज्यादा अहमियत दी गई। मॉस्को के कार्लटन होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रूस की राजधानी मॉस्को में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। मॉस्को की सड़क में ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके लोग। मॉस्को में पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय उत्साहित नजर आए। मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। मॉस्को के होटल के बाहर रूसी श्रद्धालुओं ने भजन गाया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित दिखे लोग, गीत गाकर अभिवादन किया। मॉस्को में रूसी कलाकारों ने हिंदी गानों पर नृत्य किया। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर जमकर थिरके लोग। मॉस्को की सड़कों पर पीएम के स्वागत में जगह जगह लगाए गए कटआउट्स। तस्वीरों में एक साथ दिखे मोदी और पुतिन। पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे वियना के लिए रवाना होंगे। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति वान डेर बेलेन से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से भी मुलाकात करेंगे। चांसलर नेहमर ने पीएम मोदी के स्वागत में 12:00 बजे डिनर का किया है आयोजन। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा काफी अहम। 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का होगा ऑस्ट्रिया दौरा। 1983 में इंदिरा गांधी आई थी ऑस्ट्रिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सेना के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी। 2 महीने में सेना के वाहन पर यह दूसरा अटैक। आतंकियों ने लोही मल्हार ब्लॉक के मछेड़ी क्षेत्र में सेना की गाड़ी पर घात लगाकर किया हमला। ग्रेनेड अटैक के बाद की अंधाधुंध फायरिंग। आतंकी हमले के वक्त इलाके में गश्ती पर थे जवान। दोपहर 3:30 बजे के करीब हुआ हमला। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। हाथरस भगदड़ मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज हाथरस दौरे पर रहेंगे। भगदड़ में मारे गए मृतकों के परिजनों से और घायलों से मुलाकात करेंगे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की ओर से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च का आयोजन। हाथरस में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल दौरे पर रहेंगे। पार्टी की राज्य कार्यकारी बैठक को संबोधित करेंगे। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने के बाद उनका रायबरेली का ये पहला दौरा। मतदाताओं का जताएंगे आभार। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को लेकर आज राउज रेवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। याचिका पर फैसला रखा था सुरक्षित। मुंबई में आज बारिश का रेड अलर्ट। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया। स्कूल भी रहेंगे बंद। मुंबई में रविवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश, भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। मुंबई के कई हिस्सों में सड़कों पर जल भराव, लोगों को हो रही है दिक्कत। मुंबई में बारिश की वजह से सोमवार को 50 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, कई को डाइवर्ट किया गया। बारिश की वजह से सोमवार को कई जगहों पर लंबा जाम लगा, लोकल की सेवा भी प्रभावित। मुंबई के सायन इलाके में सड़कों पर भरा बारिश का पानी, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। बारिश के अलर्ट की वजह से आज नवी मुंबई और ठाणे में भी स्कूल बंद रहेंगे। पुणे में भी स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया। बारिश की वजह से ठाणे की कालू नदी और रायगढ़ की कुंडलिका नदी खतरे के निशान तक पहुंची। 24 घंटे से इलाके में हो रही है भारी बारिश। असम में बाढ़ ने ली 6 और लोगों की जान, अब तक 72 लोगों की मौत। ऋषिकेश में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, सभी घाट पानी में डूबे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लगातार बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर लगा जाम, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना।